सारी फरिश्ता फैमिली को। तो आज हम बाबा की महावाक्य सुनते हैं। विशेष बाबा ने डेड साइलेंस की स्थिति के ऊपर भी फोकस किया। स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस, जीते जी मरना, वो भी एक साइलेंस है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जीते जी मरना, इसको कहेंगे डेड साइलेंस की स्थिति। जितना जीते जी अर्थात डिटैच्ड अवस्था में हम पुरुषार्थ करते हैं, जो भी सामने आ रहा है लेकिन उसका कोई का इन्फ्लुएंस नहीं, उसको कहेंगे जीते जी। तो जीते जी अवस्था ये ज्ञान की चरम अवस्था, फाइनल अवस्था है, जीते जी मरना। तो बाबा आज विधि बता रहे हैं कैसे करना है। तो आज का सोमान भी यही है, मैं मर्जीवा अवतरित आत्मा हूँ, मर्जीवा बनने, मर्जीवा सु आत्मा हूँ या अवतरित आत्मा हूँ, ये फील करो बार बार, मैं अवतरित आत्मा हूँ पूरे समय। जितनी बार मैं आत्मा हूँ स्मृति आए तो मैं अवतरित आत्मा हूँ, इस फीलिंग से हम करेंगे। मुरली इस फीलिंग से सुनेंगे। मीठे बच्चे, जीते जी शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाप को याद करो, इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस, इसको कहेंगे डेड साइलेंस। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो, मजबूती किस आधार से आती है? हमारा कौन सा फाउंडेशन है? 5000 साल का, 5000 ईयर्स का हमारा फाउंडेशन है। तो 5000 साल का फाउंडेशन की मजबूती का आधार है पवित्रता। पवित्रता के आधार से हमारा फाउंडेशन मजबूत होता है। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती है, उतनी मजबूती आती है। जितना प्योरिटी उतना मजबूती। हाँ, वो तो बहुत सारी है, क्योंकि प्योरिटी हमारा फाउंडेशन है ना। मतलब जैसे फाउंडेशन जितना पक्का होगा, हम बिल्डिंग के इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। फाउंडेशन पक्का होगा। बाबा भी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं, जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता, हमारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। तो ये हमारा फाउंडेशन है प्योरिटी का। अच्छा, गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते तो डेड साइलेंस हो जाती है, कहते इनका शरीर शांत हो गया है, शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। यहां भी तुम जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ, जीते जी अशरीरी प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझो। जब वापस मैं अवतरित आत्मा, अशरीरी बन जाओ।
डेड साइलेंस. ओके ये फास्ट स्विच ऑफ स्विच ऑन ऑफ कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब वापस स्थिति बन जाए तब तक तो हो गया. तो जैसी आत्मा कहा इमीडिएटली आत्मिक स्वरूप में आ जाए, अपने को आत्मा समझो, आ जाएगा बहुत बार, तो रेडी रहे. बाप को याद करो, तुम जानते हो यह है सच्ची शांति. वो लोग शांति को नहीं मानते, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना ही सच्ची शांति है. डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं है. डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? डेड साइलेंस था वहां, सन्नाटा, याद दिलाते वो मर गया, शांत हो गया. डेड साइलेंस, जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो साइलेंस हो जाता है. तुम भी डेड साइलेंस कैसे कहेंगे? तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ. बड़े वापस एक सेकंड, मैं अवतरित आत्मा हूं. डेड साइलेंस. ओके. बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते, वहां जाकर कहेंगे डेड साइलेंस अर्थात शांति में बैठो. तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप है, दुनिया को पता ही नहीं. हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं, हमारा स्वधर्म है शांत. जैसी आत्मा कहां और कोई संकल्प चलता है? वैसे देखा जाए तो शरीर कहेंगे तो ये जाना, ये करना, ये वो, तो हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं. आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है. वास्तव में आत्मा का धर्म ही शांत है. फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति है? तुम अशरीरी हो, बैठ जाओ. वह तो हट से प्राणायाम चढ़ा देते हैं, तो जैसे मर जाते हैं. उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति. प्राणायाम जब करते हैं ना, वो जैसे सो हम ओम की धुनी लगाते तो ओ म, तो फिर यहाँ इधर तक श्वास नॉर्मली किधर तक आता है? इधर तक आता है, लेकिन फिर वो चढ़ाते चढ़ाते यहाँ तक लेकर जाते श्वास को और यहाँ रुकते हैं. इसको कहने श्वास चढ़ाना. और फिर वहां, क्योंकि यहाँ तो है ही आत्मा का निवास था, सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, सेक्रेड नाड़ी, तो वहां फिर एकदम साइलेंस हो जाता है, एकदम डीप साइलेंस की फीलिंग आती. वैसा. तो अशरीरी हो, बैठ जाओ. तो उसको कहा जाओ, वह तो हट से प्राणायाम चढ़ा देते तो जैसे मर जाते हैं. आत्मा ही सब कुछ बनती है. उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति. वो जो शांति है आर्टिफिशियल. तुम बच्चों को पता है कि हमारा स्वधर्म शांत है? तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो, आत्मा ही सब कुछ बनती है. आत्मा बैरिस्टर बनती है, आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए. आगे भी राज्य लिया था बाप से, अब फिर लेने आए हैं. मनुष्य देहाभिमान में है तो दुख में है. अभी तुम समझते हो हम आत्मा है? टिक जाओ एकदम. आत्मा कहा? डेड साइलेंस. हम अपने परमधाम परम पिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं. तुम आत्मा को राजा ही चाहिए. इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से. श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया. अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते. राज्य कौन सा? आत्मा का. आत्मा अपना राज्य लेती है. क्या क्या लेती है राज्य में? जैसे दुनिया में राज्य लेते तो क्या लेंगे?
वो किंगडम लेंगे, उसके लोग लेंगे, जो सारे लोग थे उसके वो लोग ले लेंगे। आत्मा अपना स्वराज्य लेती है, क्या लेती है आत्मा? आत्मा अपना स्वराज्य पहले अपने कारोबारी अधिकारी सहयोगी मन बुद्धि संस्कार पर, मन बुद्धि संस्कार ही आत्मा का राज्य है। और शरीर, फिर शरीर पर ऑटोमेटिक स्व का राज्य, ये चीज मन को ऑर्डर जब करे, मन एकदम संकल्प शांत। तो अभी जो भी जब हम आत्मा का अभ्यास करेंगे ना, कहते ही स्थित हो जाना, ये देखना है हमें कि मैं आत्मा कहती इमीडिएटली स्थित हो गई या पुराने पॉइंट पर याद आया, वो पॉइंट ही भी स्मृति नहीं। तो मन पर राज्य, बुद्धि पर राज्य, आत्मा के अकॉर्डिंग बुद्धि डिसीजन दे, संस्कार आत्मा के अकॉर्डिंग संस्कारों का, तो इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से। आत्मा संस्कार के अधीन है, उसका निशानी उठना चाहते थे, उठा ही नहीं गया, आलस आ गया। जहां जहां शरीर के कोई कोई भी स्वभाव के वश होए, आत्मा संस्कारों के दास है। चाहता हूं लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, या दृढ़ता नहीं है, सोचा था लेकिन बारिश आ गई ना, फिर छोड़ा क्यों जाना है सेंटर, इधर ही रह जाओ। मतलब जब आत्मा पर को राज्य नहीं होता है ना, तो वो संस्कार जो होते हैं ना, वो रीजन ढूंढते हैं, ये रीजन है ना, चलो छोड़ो। इजीली गिव अप करना अपना नेचर, ये संस्कारों का काम है। तो बाबा कहते हैं आत्मा स्वराज्य मांगती है। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब आप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते, इसको राज्यों कहा जाता है। परमपिता परमात्मा राज्यों को सिखलाते, मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते मैं फलाना हूं। मैं देह को ही समझ लेते, मैं मतलब बॉडी, वास्तव में मैं आत्मा करती, ये शिफ्ट है। मैं मतलब बॉडी, बॉडी कॉन्शियस, मैं मतलब आत्मा, सोल कॉन्शियस। आत्मा कहती मैं ये चीज उठाता हूं, फीमेल कहेगी मैं उठाती हूँ। वास्तव में आत्मा तो मेल है, फीमेल है, आत्मा मेल है। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूं, मेल इन द सेंस हेड। आत्मा कहती बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रही है। आत्मा को स्वराज्य देते हैं परमात्मा, बाबा स्वराज्य देते हैं ना, नहीं तो हमको पता ही नहीं था, जस्टिफाई करते थे संस्कारों को। नहीं नहीं नेचुरल है, बेटी आती है अपनी कंप्लेन करती है, माँ क्या कहेंगी, नेचुरल है ना। मतलब मैं तो हूं अधीन, उसको भी अधीन बना रही हूं। अगर उसको कह दिया तुमको ये, उसने कहा इसने ऐसा कहा मुझे फील हुआ, नेचुरल है, फील तो हो गई। मतलब मैं इंक्रीज कर रही हूं उसका पर राज्य। था मम्मा के पास, मम्मा के पास एक युगल आते थे, आए आते थे मतलब बड़ा ऑफिसर था उस जमाने में, बहुत सब उसके पास। तो दोनों आते थे, तो वो भाई कहता था, भाई ने कहा मम्मा को, मम्मा ये है ना इस बहन के कारण, मतलब युगल के कारण, ये ना लेट कर देती मुझे, 5 मिनट लेट हो ही जाता है, क्योंकि ये देर से आती करती है जो भी जो, तो या तो मैं छोड़ के आऊं या मैं लेट आऊं, क्या करूं, ये मुझे लेट करती है। तो मम्मा ने कहा कि इसका लेट होना और आपका क्रोध होना इक्वल हो गया।
इसलिए तो मतलब अगर वो लेट हुई ठीक है, आप क्रोध हुई तो हुए, दोनों ने गलती की। तो फिर बाद में मम्मा ने बोला कि देखो इनको कुछ काम होता है, मतलब बहनों का होता ही है ना घर में निकलते निकलते ये सब, थोड़ा आप उनको मदद किया करो तो ताकि हेल्प हो जाए उनको। ठीक है, फिर उसको बोला कि क्या कारण है, तो फिर बताया कि ये सबको बताना पड़ता है, चेफ से डायरेक्शन देना होता है, ये वो सब इसलिए हो जाता है। तो मम्मा ने कहा ऐसे करो, रात को देख लो जितना आप दे सकते हो डायरेक्शन, रात को दे दो। तो ये है स्वराज्य कि वो रॉन्ग कर रहा है और मैं क्रोध में आ रही हूं, दोनों ने गलती की। तो बाबा कहते हैं वास्तव में आत्मा तो आत्मा को स्वराज्य देते परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है, शिव का मंदिर भी होता है, सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बजते हैं, उनको जगाते हैं, जगाते तो सबको है, सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते हैं, यहाँ बाप आकर, यहाँ बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं, घंटे आदि बजाने की कोई बात ही नहीं है, देवताओं के मंदिर में घंटे क्यों बजते हैं, क्यों बजे, ये प्रथा क्यों शुरू हुई, देवताओं को जगाओ घंटिया बजे क्यों, क्योंकि संगम युग में, संगम युग से कनेक्शन है ना, संगम युग में क्या हुआ, बाबा हमको जगा रहे हैं ना। जिनके पास ट्रैफिक कंट्रोल होता होगा, वो ऐप है या अगर घर में इंस्टॉल किया होगा, तो 3:30 बजे गीत बजता है ना जगाने के लिए, तो ये जगाने का गीत, यहाँ बाबा जगाते हैं ना, तो फिर देवता उन वहां भी वो मंगला आरती करेंगे, घंटियां बजाएंगे, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है, घंटे आदि बजाने की कोई बात ही नहीं है। बाप कहते तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। स्टूडेंट कहेंगे हम ये मैट्रिक पास करेंगे फिर यह करेंगे, सन्यासी भी चाहेंगे हमको शांति मिले। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर, तो वह भी शांति को बाहर ढूंढते हैं, परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे, ये बातें दूसरा कोई समझा ना सके। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूं, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया। बाप ने समझाया सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती, प्योरिटी के बिगर, क्यों, ये ज्ञान बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन विदाउट प्योरिटी इसकी धारणा नहीं हो सकती। ज्ञान ज्ञान सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन अगर हम फेल हो रहे कहीं कहीं, बस ये हो गया वो हो गया, व्यर्थ संकल्प चल गया, तो मतलब प्योरिटी की कमी है। तो ये जो वीकनेस आ जाती है एकदम से, एंड यू लूज कंट्रोल ऑन व्हाट यू वांट टू नॉट वांट टू डू, आप जो नहीं करना चाहते वो हो जाता है। हाँ, ये सब प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया और क्रोध का संगम हो जाता है। तो आत्मा, एक तो अटेंशन की कमी मेन है, प्योरिटी की कमी, पवित्रता से साइलेंस पावर बहुत मन बहुत एक्टिवेट होती है, डायरेक्ट कनेक्शन है पवित्रता की दृढ़ता से, पवित्रता के साइलेंस से। तो बाबा कहते हैं ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है, बाप भी सच्चा सोना है, आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है, तुम सच्चा सोना पवित्र थे। ये ज्ञान का असर किसको होता नहीं है, बाप कहते मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता हूं, ये स्वराज्य मिलेगा तब
जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि होगी, मतलब उसके पहले स्वराज्य मिल भी नहीं सकता, द्वापर युग में स्वराज्य मिल भी नहीं सकता, एक्यूरेट है। मनुष्य को हद की राजाई है, बेहद की राजाई मनुष्य को कभी मिलती नहीं है। विश्व का मालिक बन न सके आत्मा, तुम बनते हो बाप द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवता अपने जन्मों को जान नहीं सकते, देवताए को कुछ पता ही नहीं ना, 84 जन्मों का ज्ञान न सतयुग में न कलयुग में, सिर्फ संगम युग में। तो सतयुग में भी क्यों नहीं, 84 जन्मों का ज्ञान हो जाए तो क्या हो जाएगा सतयुग में? दुखी हो जाएंगे बेचारे, सतयुग को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे कि हमारा तो डाउनफॉल होना है। अगर हमें ये पता चले कि आगे बिजनेस में लॉस होने वाला है, अभी अच्छी प्रॉफिट है, पता चल जाए एक साल के बाद ही लॉस होने वाला है तो क्या हो जाएगा? अब ये थर्ड वेव आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, सबके मुंह में एक ही रट्टा है, तो क्या कर रहे हैं? तो प्रेजेंट में भी वही एनर्जी, मतलब वो डर की पहले से ही, अभी से ही फीलिंग है ना, अभी कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन आने वाला है, आने वाला है, कंफर्म्ड। तो ये वो ये संकल्प, मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो संकल्प चलाते हैं ना लोग, अब तो पक्का ही आएगा, नहीं भी आना होगा ना, अब तो पक्का आएगा। इसलिए एटलीस्ट हम फरिश्ता फैमिली में कोई भी ये संकल्प न करे, हम एक उधर योग करे करो ना जाए, और इधर संकल्प करे आने वाला है, वो तो पक्का ही है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट ऐसे कहती है, मीडिया ऐसे कहती है, भाई कहने वाले कहते रहे, लेकिन हम इतना संकल्प आह्वान क्यों कर रहे हैं? प्रिकॉशन रखो, सब कुछ रखो, आह्वान क्यों कर रहे हैं? बार बार मुख से यही निकलना, ये आने वाला, ये आने वाला, ये आने वाला, तो अब तो पक्का आएगा फिर तो। और जो जिन्होंने आह्वान किया उनके पास तो जरूर आएगा फिर। आपने बहुत गहरी बात बोल दी, बिकॉज हम लोग अपने अपने अंदर से एक संकल्प करने लगते हैं। जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग संकल्प, मैंने तो अभी तक एक बार भी संकल्प, हमारे घर में भी कोई बोलना, कोई बोल ना भी रहा हो तो फिर भी हम संकल्प कर लेते हैं, अच्छा ये ऐसे बोलेगा। तो इसलिए बाबा कहते देवताओं को, इसलिए ये पता ही नहीं, ये अच्छा है, ये अगर पता नहीं होता ना थर्ड वेव तो एटलीस्ट संकल्प तो नहीं चलता। ये फर्स्ट वेव के बाद एटलीस्ट मार्च तक तो शांति से रहे, अब ये संकल्प इतना पावरफुल है तो ये तो और ही जल्दी कर देगा इसको। What's a turning into reality, no, ma'am? तो बाबा कहते मनुष्य को हद की, तो इसलिए देवता अपने जन्मों को जान नहीं सकते, अगर जान जाए तो दुखी हो जाए, राजाई का सुखी गुम हो जाए। अगर ये पता हो तो राजाई का सुखी चला जाए। यहाँ तुमको पता है, जानते कि हम आत्मा है, इसमें संशय की बात नहीं है, एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है। ये दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है, तुम समझ सकते हो ये हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है, जो भी आत्मा नहीं आती है, इसने पूरी भक्ति की है, फिर बाप से वर्षा लेने आया है, ज्ञान पूरा होता है फिर भक्ति शुरू होती है। ये किसको पता ही नहीं है, मकान भी नया और पुराना होता है ना, कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं, भल अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान ना हो, बहुत मजबूत बनाते हैं, फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं। अब फाउंडेशन पड़ रहा है स्वराज्य का, आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता है, यहाँ की राजाई तो कुछ है नहीं, आज राजाई है कल किसी ने चढ़ाई की खलास, मतलब ये कौन सी राजाई है? एक दो साल राज्य किया फिर कुछ ऐसा हुआ, एक दो साल वो कहते हैं ना 3 months का गवर्नमेंट, 3 months का प्रधानमंत्री, मतलब ये भी है, ये कोई राजा ही है? 10 साल भी ये कोई राजा ही नहीं, राजा ही किसे कहेंगे? 1200-2500 साल राज्य किया उसको राजा ही कहेंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ की राजा तो कुछ है ही नहीं,
फाउंडेशन कोई का है ही नहीं, मनुष्य का भी फाउंडेशन है, आज है कल मर जाए। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डालते हैं, जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो, तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है, तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला न सके। ये है राजाई, तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है। गीता में भी कहते बाबा हमको स्वराज्य देते हैं जिसको कोई ले न सके, गिरा न सके, ऐसी बादशाही देते हैं। वहां ट्रांसफर होता है, बाबा ने उस दिन नहीं कहा था कैसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी को राज्य देते हैं एकदम खुशी खुशी से, और जैसे इट्स लाइक वो एक स्टाइल है, मतलब एक भाई मैं बाप हो गया अब तुम बच्चे बड़े हो गए, तो वो खुशी खुशी से देना, छीनने वाला थोड़ी होता है वहां। ऐसी बादशाही देते जो जरा भी दुख की बात ही नहीं रहती है, आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए, निश्चय तो है ना, निश्चय नहीं है तो वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं है। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां वृद्धि को पाते रहते हैं, तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं, फिर कह देते हैं वो, फिर कह देते कृष्ण ने सिखाया, ये कैसे समझे शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया, श्री कृष्ण ने सिखाया या शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया, कैसे समझे। भारती पवित्र था अब अपवित्र है, पतित है, देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं, शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे कि तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, देवताओं के आगे कहेंगे ना कि भाई तुम सर्वगुण, और शिव के आगे क्या गाते महिमा, त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ से निराला कोई और, बम बम भोले, ये वाली महिमा होती है। शिव की महिमा अलग है, वह ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता, सदगति करने वाला, सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ है। ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं, बाबा को भोलानाथ क्यों कहते हैं पता है ना, अव्यक्त में बाबा ने अव्यक्त मुरली में बताया है, लेते क्या है और देते क्या है, और कितना गुणा देते हैं और कितने समय तक देते हैं कंपेयर टू जो लेते हैं। तो यहाँ तो क्या है वो एफडी में फिक्स्ड डिपॉजिट में लेंगे इतना सारा, और कितने सालों के बाद, और वो भी शायद डबल हो जाए तो हो जाए, डबल हो जाए, हाँ तब तक उसकी वैल्यू नहीं, तो क्या लिया और क्या दिया, बाबा ये कहते हैं। सुख करता दुख हरता है तो उनकी ही एक श्रेष्ठ मत है, वह है ही श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। गवर्नमेंट भी कहती कि भ्रष्टाचारी दुनिया है, अब श्रेष्ठ कौन बताए, पता ही नहीं पड़ता है, समझते साधु लोग बनाएंगे परंतु वह तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते साधु लोग, ये तो बाप का ही काम है। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे, सत्युग में पहले तो एक ही राजा के हुक्म पर चलते थे, सत्युग में तुमको वजीर होता आदि कोई भी नहीं है, बस राजा ने संकल्प किया और वो हो जाएगा, वजीर नहीं है, ये तो बाप का ही काम है ना। बादशाह में भी ताकत रहती है, वजीर का मतलब है बुद्धि उसकी, डायरेक्शन मुख उसका, तो बादशाह में भी ताकत रहती है, वजीर का नाम ही गाया नहीं जाता है। तुम समझते हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया, याद आ रहा है, पूरा राज्य चलाया, विश्व का मालिक बने थे, बस संकल्प किया काम हुआ। ऐसे वजीर की जरूरत ही क्या थी जब संकल्पों में इतनी ताकत है, और संकल्प भी एक्यूरेट है, ताकत तो आज भी है संकल्प में पर एक्यूरेट नहीं है ना। तो ऐसे ही जाकर चलाना है, याद आ रहा है, तुम समझते हमने विश्व का मालिक
बन राज्य चलाया था, चलो चले राज्य में बैठ जाओ, सत्युग में राज सिंहासन पर बैठ जाओ। मैं आत्मा और संकल्प करती हूँ आत्मा मां, और वो कार्य हो जाता है। ओके जी, चले इमीडिएट गए सत्युग में, टाइम लगा? टाइम तो नहीं लगा, 10 सेकंड में 4 सेकंड वेस्ट तो नहीं किए पहले? सिंहासन पर बैठे थे हाँ, मतलब पूरे 10 सेकंड बैठे हैं, ऐसा तो नहीं कि 8 सेकंड तो इसमें लगे। ये चेक करो, जैसे ही कहा उस समय इमीडिएटली पॉइंट में स्थित हो जाए, 1 सेकंड भी वेस्ट ना हो, इसको कहेंगे स्वपर राज्य। तो बाबा कहते हैं सत्युग में तुमको वजीर आदि कोई भी नहीं है। हाँ, जैसे ऐसे ही जाकर चलाना है जैसे पहले चलाया था। बरोबर सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, हरेक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। कृष्ण को अपनी राजधानी मिलेगी, कृष्ण को अपनी राजधानी होगी। दूसरे भी राजाए होते हैं ना, कम से कम 8 तो है ना, फिर 8 है वा 108 है, कम से कम 8 है। तो फिर 8 है वा 108 है, आगे चल पता पड़ जाएगा। बाबा ने डिस्क्लोज नहीं किया, ऐसी नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वही अभी देंगे, ये बाद में का डिस्क्लोजर है। 8 होगा, 108 इकट्ठे होंगे, 108 तो खैर नहीं होंगे, 100 तो होंगे, बट बाबा कहते वो बाद में बताएगा। बताए कोई मुरली में अभी तक? ढूंढना, ये तो बाबा ने बताया कि लड़िया और बाबा बढ़ा देंगे, 100 का एडिशनल हो जाएगा। जो जिएंगे बाप ज्ञान देते रहेंगे, जो जिएंगे किसमें, जो ज्ञान में चलते रहेंगे, जिसने ज्ञान को छोड़ दिया, कोर्स किया, मुरली अटेंड की ऑनलाइन, तब जब तक फैसिलिटी थी या तब तो ठीक है, फिर छोड़ दी। जो जिएंगे बाप ज्ञान देते रहेंगे, देना ही है ड्रामा में नूंद है, परमात्मा का भी पार्ट है, ये ज्ञान देने का पार्ट अभी नूंदा हुआ है। बाप कहते आगे चल, तुम बहुत समझने वाले हो, दिन प्रतिदिन समझाते रहते हो। ये भी पता चले कि हम वहां राजधानी कैसे करते हैं, देखो क्या पता चलता जाएगा आगे चलकर, हम वहां राजधानी कैसे करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है, तुम ध्यान में जाते हो, वैकुंठ में जाकर देखते भी हो, कैसे वहां सोने के महल है, वहां कैसे स्वयंवर होता है। तो सोना ही सोना है, अपने को पारसपुरी में देखते हो ना, ये सब संदेशिया जाती थी, सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं, समझते हैं कंस्ट्रक्शन काम का समय भी बाबा ने उनको साक्षात्कार कराया, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है वहां, सोने की ईंटें कैसे लेकर आते हैं, फिर एक एक ईंट रखते हैं, बकायदा होगी कंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं ऐसे अलाउद्दीन का जादुई चिराग, ये नहीं होगा, बकायदा सब कुछ होगा। सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं, समझते हैं थोड़ी ईंटें यहाँ ले आए, संदेशिया जाती थी, फिर उतरते तो अपने को यहाँ देखते हो। मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते कृष्ण के साथ देखती थी। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहां हड्डी मांस नहीं होता, फरिश्ते बन जाते हो। अब आ गया ना सूक्ष्म वतन में जाना, आकारी शरीर, लाइट के कार्ब का शरीर, तो ये वाला शरीर नहीं होता है, हड्डी मांस नहीं होती वहां, फरिश्ते बन जाते, एग्जैक्टली इस तरह का आकार है पर कुछ हड्डी मांस नहीं है, इसको कहेंगे फरिश्ता। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, यही फरिश्ता बन जाते हैं। वहां तुम बगीचा आदि देखते हो, ये बाप साक्षात्कार कराते। सूक्ष्म वर्ल्ड की क्लैरिटी पूरी है, पूरी क्लैरिटी है, नहीं तो लोग सोचते हैं ना पता नहीं कौन सा वर्ल्ड है ऐसा, सूक्ष्म वर्ल्ड, तो ये बाप फरिश्ता
साक्षात्कार कराते। तुम कहते हो बाबा हमको शुभी रस पिलाते हैं, अब सूक्ष्म वतन में तो पिला ना सके, फल फूल वैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते। ये शुभी रस दादी को पूछते थे, गुलजार दादी को, कि क्या होता है शुभी रस। बोला अब वो तो कैसे बताए, लेकिन ऐसे समझो यहाँ का मिक्स्ड फ्रूट जूस शुभी रस वांग, लेकिन बहुत पावरफुल टेस्टी, उसको बाबा शुभी रस कहते। तो ये बाप साक्षात्कार कराते हैं, फूल फल वैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, सूक्ष्म वतन में तो बगीचा नहीं होगा। तुम बताते हो कि बगीचे में गए फिर वहां प्रिंस था, वो तो वैकुंठ हो गया ना, वैकुंठ के वैभव यहाँ मिल न सके। ये सब साक्षात्कार के समय की बात है, यहाँ तो फर्स्ट क्लास वैभव होते। बाप कहते हम तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते, यहाँ तो दुख ही दुख है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा न कहे, क्या यहाँ कोई ऐसा मनुष्य है ही नहीं जो ऐसा न कहे कि मैं बहुत दुखी, मैं दुखी हूं, कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ। कोई है जो भगवान को नहीं कहता हो, कि एक स्टाइल ही हो गई कि भगवान के पास जाना मतलब लिस्ट रेडी है, और कुछ नहीं तो दुख से तो निकालने की, शरीर ठीक नहीं है बाबा मेरा शरीर ठीक कर दो, कहे बाबा ये कर दो, बाबा ये कर दो, लिस्ट रेडी है रेडी सबके पास, मतलब अभी हाँ ये निकल नहीं जाता, ये संस्कार है, मतलब मांगना। अब उल्टा संकल्प करो, एकदम ठीक है, फर्स्ट क्लास है, बस बाबा से वरदान लेना है, शक्तियों का वरदान लेना। वो तो वैसे भी बाबा कुछ नहीं करने वाला है, शरीर को ठीक थोड़ी करने वाला है बाबा, कोई चीज को ठीक करने वाला नहीं है। अगर आत्मा में वो पार्ट है, वो वैसे भी हो जाएगा, नेचर है ना, बिजी इसलिए रहते हैं, योग एक्चुअली योग नहीं लगता। हाँ ये संकल्प करो कि एकदम शरीर फर्स्ट क्लास है बाबा की, के बाबा प्लीज कर दो, बाबा ये कर दो, ये नहीं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो दुख ही दुख है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा न कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ, दुख में ही याद करते हैं। कृष्ण के पुजारी कहेंगे ना कि कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी हनुमान की जय बोलते हैं, यहाँ बाप कहते निरंतर मुझ बाप को याद करो, मैं अवतरित आत्मा हूं, निरंतर याद करो बाबा को, ऐसा याद करो जो अंतकाल कोई की स्मृति ना आए। अंतकाल और मध्यकाल स्मृति में आए चलेगा, मध्यकाल में स्मृति में आए, अंतकाल में स्मृति में ना आए चलेगा। अगर अभी 10 सेकंड में से 8 सेकंड टाइम लगता है तो उस समय 1 सेकंड का पेपर होगा, अभी आत्मा समझने में 5 सेकंड लग गए तो देखो हमारा अंतकाल कैसे होगा, अंतकाल में 10 सेकंड भी मिलेगा क्या? और अभी सब कुछ नॉर्मल है, तब तो सिचुएशन भी भयानक होगा। हाँ अभी तो मुरली सुन रहे हैं, सब कुछ, मौसम भी आज इतना अच्छा है, सब कुछ ठीक है, शरीर की भी कोई बीमारी एज ऑफ नाउ जब मुरली सुन रहे तब नहीं है, तब 8 सेकंड वेस्ट हो गए, फिर अंतकाल की क्या हालत होगी। तो अभी देखो काशी कलवट खाते थे, उसमें क्यों ये पापों की ऐसी महसूसता आती है, जैसे जन्म जन्मांतर की सजाए भोगते हैं, बहुत पाप किए हैं, इसको कहा ही जाता है पाप आत्माओं की दुनिया, आत्मा पापी है, आत्मा ही पाप को बाप को बुलाती है, हे परम पिता परमात्मा, हे परम धाम के रहने वाले शिव बाबा, उनका असली नाम तो एक ही है, वह है आत्माओं का बाप। रुद्र के साथ शालिग्राम शब्द शोभता नहीं है, शिव और शालिग्राम शुभता है,
शिव का मिट्टी का लिंग बनाते हैं तो शालिग्राम भी बनाते हैं। शिव और शालिग्राम ऐसे जोड़ी है। रुद्र वो भी शिव ही है लेकिन नहीं शोभता है। शिव का मिट्टी का लिंग बनाते तो शालिग्राम भी बनाते। पतित पावन तो वही है ना, यहाँ यज्ञ भी रचते हैं। भारत सबसे ऊंच है परंतु देवता धर्म को भूल गए। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह तो चलाना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं। देवता धर्म हिंदू, हिंदुइज्म इज अ कल्चर, ये तो क्लियर है ना सभी को। हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है। इसका पूरा डिटेल आया है कि कैसे ऋग्वेद वगैरह में हिंदू शब्द है जो हम लोगों को अभी तक नहीं पता था, और उसका मीनिंग भी दिया है कि जो अज्ञानता से और दुख से हीन है तो वो हिंदू है। मतलब बहुत सारे इसमें प्रूफ्स है कि हिंदुइज्म इज अ कल्चर, रिलीजन नहीं। काफी डिटेल में आर्टिकल आया। हिंदू संस्कृति कहते हैं, संस्कृति कल्चर, हमारे भारत की संस्कृति कहते हैं। तो ये तो बाबा कहते हैं कि वह तो हिंदू कोई धर्म है नहीं, देवता धर्म वाली सतो रजो तमो में आते। देवता धर्म को एग्रीड, हिंदू तो धर्म ही नहीं है, देवता धर्म सतो रजो तमो में आते हैं। तो ऐसे ही कह सकते हैं ना, देवताओं का रजोगुणी स्टेज हिंदू धर्म बन जाता है, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि जब वाम मार्ग में चले जाते तब वो हिंदुइज्म की वो फिलोसफी शुरू होती है। जब तमो में आ जाते तो अपने को देवता कह नहीं सकते, तो समझाया जाता है वास्तव में हिंदू हिंदू तो धर्म है ही नहीं। तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो। अगर देवता धर्म है, देखो कितना कनेक्शन है, जैसे अगर क्रिश्चियन धर्म है तो कन्वर्जन पॉसिबल है, मुस्लिम धर्म है तो कन्वर्जन हो सकता है ना। तो इसी तरह अगर देवता धर्म है तो हम देवता बन सकते, मतलब क्या बन सकते, जो श्री कृष्ण का देखते, जो श्री राम का देखते, वैसे हम बन सकते अगर देवता धर्म है तो। तो बाबा ने उसको कितना एक्सेसिबल कर दिया। ये तो दुनिया में सोचते ये तो मुश्किल है, तो कह देते फुर्सत का है। बाप कहते हाँ तुम तो, समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो। तो फिर कह देते फुर्सत ना कहाँ है। बाप कहते हम तुमको अपना बनाते शांति और सुख का वर्षा देने के लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते, बहुत प्यार से चलते, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता है। बाबा देखो ऐसे परिवारों की कितनी महिमा करते हैं, चार चार भाई इकट्ठे रहते। इकट्ठे तो चलो कह देते रहते हैं, लेकिन खाना भी एक जगह बनता हो, ऐसा कोई परिवार है इधर फरिश्ता फैमिली में? चार चार भाई, छे छे भाई इकट्ठे रहते हो, बाबा का देखा हुआ है, बहुत प्यार से चलते, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता है। परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना, फिर भी वो स्वर्ग नहीं है, कहेंगे इनके घर में स्वर्ग लगा पड़ा है। सत्युग में एक भी घर में बीमार दुखी होते नहीं। स्वर्ग मतलब कल कहीं चल रहे थे, मतलब ठोकर लग गई और वो खरोच आ गई, स्वर्ग में होगा इतना सा भी दुख, मतलब चाहे वो बहुत ही मिनिमम है पर खरोच आना, आप संकल्प तो गया ना उसमें, स्वर्ग में ये भी नहीं होगा। क्या नाम है, नाम ही है स्वर्ग, वहां सब सुखी रहते। बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आयो, ऐसा वाला स्वर्ग चाहिए? दुख का नाम निशान है, इतना सा क्या बोलते है वो चाकू से काटते, इतना सा भी खरोच नहीं लगा, वो इतना सा लग गया वो भी नहीं, वो दर्द भी नहीं। किसी के लिए वेट करना पड़े वो भी बहुत दुख की घड़िया होती है, इंतजार की घड़िया, वो भी नहीं।
हर चीज एक्यूरेट, मतलब हर चीज एक्यूरेट है ना। बाप से तुम सदा ये वर्षा लेने आए हैं, यहाँ रोज क्लास क्यों कर रहे हैं? ये वर्षा लेने के लिए तुमको ज्ञान मिला है। कहते बाबा पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदा ही खिदमतकार हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। दूसरा है अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है, डेड साइलेंस। अच्छा वरदान है अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। जैसे बाप लोन लेता है बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे अपने संस्कार बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है ऐसे निर्बंधन बनो। ये सबसे बड़ा निर्बंधन है। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। कितना पावरफुल है अनादि। दो दो पार्ट्स है इसमें। एक तो फर्स्ट है निर्बंधन, जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार बनाओ। अभी मुझे चाहिए दृढ़ता का संस्कार हो, दृढ़ता का संस्कार आ जाएगा। किसका हो? जैसे संस्कार चाहिए वैसे संस्कार आ जाए। संस्कार नॉट जस्ट संकल्प। तो इसी तरह जब जैसा संस्कार चाहिए वैसे संस्कार। कभी हमको खुशी के संस्कार चाहिए, कभी प्योरिटी के संस्कार एक्टिवेट करना है, उस समय वो संस्कार इमर्ज हो जाए। उसके लिए ऑलवेज वो उस चीज की इतनी अवेलेबल। जैसे एक होता है ना, एक दुकान होता है, छोटा सा दुकान है, हमको ये चाहिए। हम इधर गूगल में अमेजोन में देख के आए, अब वो कहेगा ये मेरे दुकान पे नहीं है, मॉल में जाना पड़ेगा। मतलब जिसमें सब कुछ मिलता हो वो एक दुकान होती है ना, वहां फिर उसके कस्टमर्स भी ज्यादा होंगे, इनकम भी ज्यादा होगी। तो ऐसे मेरे, ऐसा नहीं कि ये संस्कार मेरे में नहीं है, ये संस्कार मेरा है, मैं ना एडजस्ट नहीं हो सकती हूँ। हाँ बाकी तुम जो कहो मैं आज्ञाकारी हूं, मेरे में दृढ़ता के संस्कार कम है। हाँ लेकिन पवित्रता के संस्कार बहुत है। नहीं, जब चाहे वो संस्कार आ जाए, इसको कहेंगे निर्बंधन। और दूसरा है मैं अनादि आदि स्वरूप, तो मैं अवतरित आत्मा हूं। तो ये आज का समान रहेगा, अवतरित आत्मा निर्बंधन आत्मा। बार बार नहीं,
अवतरित और निर्बंधन। स्लोगन है याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। जितनी हमारी याद की वृत्ति होगी ना, हमारा आसपास का वो वायुमंडल शक्तिशाली बनता जाएगा। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारे है 19 है ना आज। जैसे सूर्य की, कल का हुआ था क्या? कल नहीं किया था ना, कल का नहीं हुआ था। नहीं, जैसे हुआ था दुखी था। आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो। देखो, ये संकल्प आना चाहिए, तभी समाप्ति होगी। उनके संकल्प आएगा कि थर्ड वेव हो, थर्ड वेव आ जाएगा, थर्ड वेव आ जाएगा। हमारे संकल्प क्या होना चाहिए? कुछ नहीं है, एकदम कल्याण हो कि थर्ड वेव आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियरली आज के इसमें बताया, हमारा संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए, इसलिए अपने एवरेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। 19 है, जैसे सूर्य की किरणें फैलती है, वैसी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषता रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूं। इस समान के स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक नहीं, तक भी नहीं आएंगे। समान के स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो। कौन सा? कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। आज हम करेंगे मैं निर्बंधन, निर्बंधन अवतरित आत्मा, तो दोनों याद रहे। अच्छा।